ये भी देखा टाइगर भी देखा। टाइगर है फाइनली टाइगर आ गया। तो हम लोगों ने टाइगर देख लिया। टाइगर देखने के बाद हम बहुत थक चुके थे सबके सब, और शानवी को भूख लगी थी। शानवी को दूध पिलाया यहाँ पर बैठ के हम लोगों ने। फिर सोचा यहाँ से हम जाएंगे अब नेक्स्ट एनिमल के पास। शानवी हाँ यस क्या से? तो शानवी ने दूध पी लिया, शानवी की टमी फुल हो गई और हम आ चुके ये नेक्स्ट एनिमल के पास। ये नेक्स्ट एनिमल भी हमारा डियर है। पता नहीं इसके काफ़ी सारे प्रजाति होते हैं, सो उनमें से ही एक टाइप के ये डियर है और काफ़ी क्यूट है ना। सिया नहीं देखा ना अपने? सिया नहीं देखा, लायन नहीं देखा, बब्बर शेर नहीं देखा। ये भी देखा टाइगर भी देखा। ये भी देखा। अभी अपन कहाँ पर है? यहाँ पर यहाँ से अपन देखेंगे पेंगुइन, ठीक है। एक 3D मूवी देखेंगे जू का, फिर पक्षी लोग का पूरा देखते हुए यहाँ से बाहर पार्किंग। अरे हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? पेंगुइन देखने जा रहे हैं। पेंगुइन सेकंड टाइम है ये मेरा। थके कि नहीं तुम लोग? बहुत थके हम लोग, लगी थके नहीं, मैं तो बहुत थक गई। सो गाइस टंटन, हम पहुंच चुके हैं पेंगुइन कक्ष के यहाँ और अब हम पेंगुइन देखेंगे। इसके अंदर पेंगुइन को रखा है। पेंगुइन्स को काफ़ी ठंड वातावरण लगता है, इसलिए इन्हें अंदर रखा गया है और इसके अंदर अब हम जाते हैं। तब तक के लिए प्लीज़ बने रहिए।
फाइनली हमें एंट्री मिल गई। अब हम जा रहे हैं जल्दी जल्दी अंदर, देखते हैं पेंगुइन्स। काफ़ी टाइम हो गए हमने नहीं देखा है। लास्ट टाइम हम आए थे तब भी हमें देखने के लिए मिला था। यहाँ पर मोबाइल्स अलाव नहीं है, बट हम लोग फिर भी थोड़ा थोड़ा कैप्चर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ हमारी वाईटी फैमिली के लिए। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट कर देना, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वो रहे पेंगुइन्स। वाओ सो क्यूट, कितने अच्छे से बैठे हैं। ये पेंगुइन तो बड़े मजे से अपनी स्नान के मजे ले रहे हैं। कितने अच्छे से ये स्विम भी कर रहे हैं, इन्हें स्विम बहुत अच्छे से आता है स्विमिंग। वाओ सो यहाँ हमें धक्के मार कर पेंगुइन्स के गार्ड लोगों ने हमें निकाल दिया है। वहाँ पे ज़्यादा अलाव नहीं है, लोगों को फटाफट दिखाते हैं और फटाफट बाहर निकालते हैं, क्योंकि काफ़ी मात्रा में भीड़ होती है, हर किसी को ये पेंगुइन्स देखने होते हैं। सो हम लोगों को बाहर आना पड़ा जल्दी जल्दी। और यहाँ पर हम मज़े कर रहे अपने पॉपकॉर्न के साथ, काफ़ी थक चुके थे हमारे बच्चे और हम सब। सो जल्दी जल्दी ये पॉपकॉर्न के मज़े लेकर अब हम जाएंगे नेक्स्ट, पता नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में। गाइज यहाँ पर किसी तरीके के पक्षी उल्टे लटके हुए हैं, आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में बताना। ये रहे हमारे पैरट्स। हम नेक्स्ट पैरट्स के पास आए हैं और सो क्यूट। ये है टॉर्टोइस। ये अलग तरीके के टॉर्टोइस है, काफी बड़े टॉर्टोइस हैं। सूचे यहाँ, यहाँ सूचे। टॉर्टोइज़। हाँ? टॉर्टोइज़। टॉर्टोइज़। ओके। हाँ। गुदगुदी तो नहीं करता। किम करता था? किम? जाली से करता था। बेही हाथी खलीन मसाला किम करता था? खुद ना करता था ना, खुद नहीं। हाँ। नहीं करता था। ओके। ओके सो गाइस ये हम लोगों ने देखा है, इसे शायद से सारस पक्षी कहते हैं। कमेंट सेक्शन में बताना क्या मैं सही बोल रही हूँ। आई थिंक सो इसे सारस पक्षी कहते हैं। पांडा कहाँ गया अभी? पांडा देखना है अभी। इधर आ, मासा को बोल। अभी हम बाहर निकल रहे हैं पूरा गेट के। गेट के बाहर निकले इसका मतलब हमको वापस एंट्री नहीं मिलेगी अंदर घुसने की, और टाइम अब भी हो गया है अंदर जाना। अभी सिर्फ सब बाहर निकलने वाले हैं। सब बाहर के लिए ही आ रहे हैं पब्लिक। तो मुझसे पूछो एक थके हुए राही को क्या चाहिए, तो मेरा जवाब होगा उसे सिर्फ और सिर्फ उसका घर चाहिए। सो हम निकल पड़े अपने घर के लिए। काफ़ी थक चुके थे, सुबह से निकले थे, हमें शाम हो गई घर तक आने के लिए, बट बहुत एक्साइटेड डे रहा हमारा, बहुत मज़ा आया। फाइनली रानीबाग ब्लॉग हमारा कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच हमारे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करने के लिए। और मिलते हैं अब हम आप लोगों को हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए प्लीज़ बने रहिए और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले, और सब्सक्राइब भी प्लीज़ कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।